भाई बहन सुन, आप देख रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा, किस तरीके से पूर्व सैनिकों के साथ शोषण किया जा रहा है कुछ रिटायर्ड फौजी अधिकारियों और आला अधिकारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं भारत सरकार में, उनके साथ कुछ दलाल मिलकर इन सैनिकों की तनख्वाहों का हिस्सा मार रहे हैं, उनके भत्ते मार रहे हैं और ये सब कुछ सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अब मौजूद हैं राज्य मंत्री हैं, संचार राज्य मंत्री शकील अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। शकील साहब, अभी हमने देखा किस तरीके से BSNL के अधिकारी पूर्व सैनिकों का हिस्सा मार रहे हैं, खुलेआम कैमरे पर रिश्वत लेते, कई संभाग के AGM GM पकड़े गए हैं। जी, मैंने भी आपकी सूचना के बाद मैंने भी अभी देखा है। निश्चित रूप से अगर ये फिल्म सही है, CD सही है, तो ये गंभीर विषय है। इसलिए कि जो हम लोगों के यहाँ प्रोसेस है, मेरी जो जानकारी है कि ये सब काम टेंडर से होता है और जो जो सिक्योरिटी एजेंसीज को देते हैं हम काम, ये और दूसरे ये कि ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल का है, तो उस संबंध में निश्चित रूप से हम लोगों को अगर CD की ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी, पता चल जाएगा, हम लोग भी जांच इनिशिएट करेंगे, पर जो भी इसमें होगा उसके खिलाफ जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो करेंगे, ये गंभीर विषय है। बिल्कुल, और ये CD की कॉपी हम आपको अश्योर कराते हैं IBN 7 की तरफ से कि आप तक कल सुबह ही पहुंच जाएगी। लेकिन जो अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं, सब कुछ टेंडर के नाम पर होता है, ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन जब आदमी उनसे मिलता है जाके, कोई कमीशन एजेंट, कोई दलाल, तो वो भरोसा ले लेता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, इसके बदले में आप हमारे नाम का ही टेंडर खोलेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा कहीं काम हम लोग उनसे भी लेते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, उनकी भी इसमें भूमिका रहती है और उनसे भी हम लोग इसी को एलिमिनेट करने के लिए, इसी विषय को खत्म करने के लिए कि भ्रष्टाचार नहीं हो, हम लोग उनके उनके एजेंसी के थ्रू भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी किसी ने धोखा दिया है और उनके भी आंख में धूल झोंक के इस तरह का काम हो रहा है, तो उन सब चीजों की हम लोग जांच करवाएंगे। आप CD उपलब्ध करा दें विभाग को, मुझको करा दें, मैं विभाग को उपलब्ध करा दूंगा और निश्चित रूप से इस विषय में हम लोग जांच करके जो आवश्यक और नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो करेंगे। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं DGR जो होता है उसकी जो तमाम योजनाएं हैं उसी योजना की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं फौज से, जिनको सिक्योरिटी एजेंसी के ठेके मिले हुए हैं, उनसे कोई लोग जाते हैं, उनके नाम से वो फर्जी नाम से वो भाड़े पर वो एजेंसियां खरीद ली जाती हैं, किराए ली जाती हैं और उसके बदले में वो जाके BSNL में या दूसरे अधिकार विभागों में जाकर वहां पर। एक दुखद बात और ये भी है, आपने जो दिखाया कि उसमें जो रिटायर्ड पर्सनल है उनका भी इन्वॉल्वमेंट आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल, और भी दुख की बात है। इसलिए हम इस मामले में पूरा करके हमारे पार्ट पर जो हमारे विभाग के जो लोग हैं उनके खिलाफ करेंगे, फिर और भी जो इसमें नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो आगे होगी। सर, ये तो तुरंत इनको सस्पेंशन का काम होना चाहिए, जो लोग कैमरे पर पकड़े जा रहे हैं आगे कार्रवाई होती रहे। हाँ, निश्चित रूप से जो संभव कठोर से कठोर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, लेकिन जरा उसकी ऑथेंटिसिटी को हम लोग जांच लें और ये सही हो जाए कि ये स्थिति सही है और हमारे पदाधिकारी इन्वॉल्व है। चलिए, संचार राज्य मंत्री शकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर पूरी तरीके से एश्योरेंस दिया है हमको संचार राज्य मंत्री शकील अहमद ने कि IBN 7 जो CD उपलब्ध कराएगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कई सारे विभाग के BSNL के, कई संभाग के, चाहे बरेली हो चाहे रामपुर हो, इलाके के अधिकारी कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं, 10-10 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में पूर्व सैनिकों का हिस्सा मारा जा रहा है। वो सैनिक जो ताउम्र सीमा पर तैनात रहता है, उस सैनिकों से इनकी तनख्वाहों से पैसे मारे जा रहे हैं, उनके भत्तों से पैसे मारे जा रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बिग न्यूज में भी अपने सनसनीखेज खुलासे को जारी रखेंगे।